दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक और उनसे जुड़े हुए जो दूसरे जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि एलडीसी है, आपके एलडीसी के बाद महिला पर्यवेक्षक है और आरएच से लेकर के फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, जिनमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो एक जीके के भाग के अंदर सामान्य ज्ञान प्रश्न के अंदर ही एक प्रश्न पूछा जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक भाग आता है, वो हमारा भाग होता है जनरल साइंस का। उसी जनरल साइंस पे आज कुछ प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा और उम्मीद है कि आप लोग उस प्रश्न को अच्छे ढंग से कवर कर पाएंगे और आप लोगों को वो प्रश्न भी समझ में आएंगे। तो मैं आपको बिना किसी विलंब के सीधे सीधे उन्हीं प्रश्न पर लेकर चल रहा हूँ और चल रहे हैं सीधे प्रश्न को। हो सकता है पास की जो ध्वनि है आपकी थोड़ी सी आपको बाधा उत्पन्न कर रही हो, ये भी संभव है, और साथ साथ में ये भी संभव है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें भी आप स्पष्ट सुनने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही हो। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा आपके जो आग्रह थे उनको, आग्रह और विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, हमने जो पुरानी हमारी क्लासरूम था उसी क्लासरूम में वीडियो को जारी रखने का प्रारंभ हमने लिया है, तो वहां पर किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं है और हम आराम से आपसे वार्तालाप कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है उससे बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि संडे तक की क्लास में हम उसी पर चले जाएंगे। संडे से पहले की जितनी भी क्लासें हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास में, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा, और उसी दौरान मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूँ आज के प्रश्नों पर। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की, है ना? आधे से ज्यादा लोगों को या सब लोगों को इसमें बारे में बताइए, क्योंकि जनरल साइंस में सबसे साधारण प्रश्न, इससे ज्यादा साधारण कुछ नहीं हो सकता, कोशिका की खोज किसने की। फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए चार विकल्प रख देता हूँ। ए है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है रॉबर्ट मैन और डी है हॉक, यानी कि ल्यूवेनहॉक। चार उत्तर है हमारे पास, वापिस में रिपीट कर रहा हूँ। कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिका को खोजने वाला कौन था? ए है रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है रॉबर्ट मैन और डी है ल्यूवेनहॉक। आपका जो भी उत्तर है कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके सारे उत्तर की सारी व्याख्या किसने क्या किया, हमेशा ध्यान रखिए एक प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होता है। अगर प्रश्न का उत्तर एक ही है तो चार जो विकल्प हैं उनसे भी कोई ना कोई चार प्रश्न और बनने की संभावना रहती है। तो रॉबर्ट अगर हुक होगा तो प्रश्न अलग होगा, रॉबर्ट ब्राउन का अलग होगा, रॉबर्ट मैन का अलग है और ल्यूवेनहॉक का अलग है। तो आप सभी ध्यान रख लीजिए कि इन चारों पे चार प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पॉज करके आपको पूरा लिखना होगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास में आता है कि सजीव कोशिका की खोज कब हुई। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जिनको नहीं ध्यान है वो भी इस चीज को ध्यान दें। सजीव कोशिका की खोज कब हुई? ए है 1857, 1857, 1857। दूसरा है 1665, 1665। तीसरा है 1664, 1674 और डी हमारे पास में 1675, है ना? चार विकल्प है, 1675 लास्ट विकल्प है आपके पास में, है ना? इसमें आपकी खोज कब हुई, कोशिका की खोज कब हुई, इसके बारे में आपकी बात की है। अगला प्रश्न मेरा है जो सजीव कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज कब हुई, इसके बारे में बात हुई है। अगला तीसरा प्रश्न है मेरे पास में, कोशिका की खोज कब हुई, वो था सजीव कोशिका की खोज है, ये जो है वो खाली कोशिका की खोज है, और विकल्प वो के वही है 1857, 1665, 1674 और 1675। ये तीन प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हैं। अगला प्रश्न मेरा है, छोटी होती ध्यान से, अगला प्रश्न हम बात करें, एक कोशिकीय जंतु, है ना, एक कोशिकीय जंतु शब्द यूज कर रहा हूं मैं, निम्न में से एक कोशिकीय जंतु है? ए है अमीबा, बी है पैरामिशियम, सी है युग्लिना और डी है उपरोक्त सभी। ए है अमीबा, बी है पैरामिशियम, सी है हमारे पास में युग्लिना और डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न बहुत इजी लगेंगे, प्रारंभिक दौर है, मुझे ध्यान है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत आसानी से पूछ रहा हूँ, आने वाले लेवल में बहुत टफ होगा लेवल, इसलिए प्रारंभिक डोज थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि आप भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं मुझे पता है, तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि किसी भी चीज का प्रवाह एक साथ नहीं होना चाहिए और तेजी से नहीं होना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न आपके सामने था कि एक कोशिकीय जंतु है, और आपने उत्तर भी उसका ढूंढ लिया होगा। जो भी आपको उत्तर सही लगे आप कमेंट करना उसके बारे में,
जो भी आपके पास मेहनत रखी हो, जैसे भी आपको लगे कि एक दो तीन चार जैसा भी आप सेल वाइज ढूंढे उसको ढूंढ लें। पांचवा प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, ए शतुरमुर्ग का अंडा, बी मुर्गी का अंडा, सी एसिडा बुलेरिया और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ी कोशिका, एक कोशिका की बात हो रही है, सबसे बड़ी एकल कोशिका की बात हो रही है। ए शतुरमुर्ग का अंडा है, बी मुर्गी का अंडा है, सी एसिडा बुलेरिया है और डी है इनमें से कोई नहीं। तीन विकल्प जो है, तीन ही बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से कोई एक उत्तर है, लेकिन प्रश्न और तीन आपका इंतजार कर रहे हैं। जो संडे के दिन की क्लास होगी, संडे के दिन में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखूंगा। साथ में एक प्रश्न का उत्तर देने के साथ में तीन जो विकल्प और होंगे उन तीनों पर भी हर एक पर प्रश्न होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न हमारे पास बनता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन था, यानी सेल थ्योरी किसने दी है। पहला है स्वान, ए ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है स्वान। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है श्रीडन, श्रीडन। तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो है ग्रॉथ, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉथ। और डी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों। पहला है स्वान, दूसरा है श्रीडन, तीसरा है ग्रॉथ यानी सी है ग्रॉथ। और डी ऑप्शन जो दे रखा है यानी कि चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो है ए प्लस बी दोनों। जैसा भी आपको उचित लगे उस पर आप क्लिक करें, सही करें अपने हिसाब से लिख लें। अगला सातवां प्रश्न हमारे पास में आ रहा, स्वान थे, स्वान जो हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंदर इनमें से किसी का योगदान है या नहीं है, सिल्डन का है या नहीं है वो हमें नहीं बताया अभी, है ना, आपको ढूंढना है उसको। और इसमें कहा गया है कि स्वान थे, स्वान नाम के जो वैज्ञानिक थे वो थे ए जंतु वैज्ञानिक, बी पादप वैज्ञानिक, सी थे भौतिक वैज्ञानिक, डी थे रसायन वैज्ञानिक। पहला विकल्प है जंतु वैज्ञानिक, दूसरा है पादप वैज्ञानिक, तीसरा है भौतिक वैज्ञानिक और चौथा हमारे पास में है रसायन वैज्ञानिक। किसमें से आपको कौन सा सही लगता है उसको आपको चुनना है, अपनी कॉपी में लिख लें उसको। अगला प्रश्न आ रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज की, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, पर कौन सा माइक्रोस्कोप, यहाँ पर थोड़ा क्लियर करें प्रश्न को। यहाँ पर बात कर रहा हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ए है स्वान, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की, ए है स्वान ने, बी है जोहानसन ने, सी है रॉबर्ट हुक ने और डी है ब्राउन। ए है स्वान ने, बी है जॉनसन एंड जॉनसन, करेक्शन कर ले यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन है, शब्द है जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन। देखिए अगर हमारा उत्तर स्वान होता है तो इसको बहुत बड़ी कहानी है, और जॉनसन एंड जॉनसन होता है इसके बारे में जानना है, रॉबर्ट हुक है इसके विषय में भी जानना है, और रॉबर्ट ब्राउन आपका उत्तर है तो इसके विषय में भी रविवार के दिन हमको जानना है। अगला और नवा प्रश्न मेरे पास में आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें से केंद्रक नहीं होता है, चार नाम है आपके पास में, उनमें से कौन किसमें केंद्रक नहीं है। ए विकल्प आपके पास में आ रहा है आरबीसी यानी कि स्तनधारियों की आरबीसी, मैमल्स की आरबीसी की बात कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है स्तनधारियों की डब्ल्यूबीसी, तीसरी बात कर रहा है चालनी नलिकाएं, है ना, सिली ट्यूब्स जिन्हें प्लांट्स में पाई जाती हैं, और डी ऑप्शन दे रहा है ये ए प्लस सी यानी कि आरबीसी और सिली ट्यूब्स दोनों यानी चालनी नलिकाएं दोनों। इसी प्रकार आपके पास में दसवां प्रश्न आ रहा है, दो केंद्रक होते हैं, निम्न में से किस सजीव या किस जंतु में दो केंद्रक होते हैं। केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो इन सबके उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक भी देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो संडे की क्लास जो होगी उसमें एक एक प्रश्न पर कम से कम तीन तीन मिनट का बखान करते हुए मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। तो दो केंद्रक होते हैं, ए है यूग्लिना, बी है पैरामीशियम, सी है अमीबा और डी है वायरस। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा और वायरस, ये था मेरा दसवां प्रश्न आपसे। सबसे पहले ग्यारह प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है प्रोकैरियोट्स में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक होता है, ए स्पष्ट, बी अस्पष्ट, सी बड़ा और डी छोटा। आकृति भी दिए और स्पष्ट और अस्पष्ट भी दिया गया है।
आपको भेजना देना है, इसमें क्या उत्तर सही होगा। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक होता है, ए स्पष्ट, बी अस्पष्ट, सी बड़ा और डी है छोटा, आपको चुनना है। बारहवां प्रश्न आपके पास में आ रहा है वो है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स आपने पढ़े हैं, उसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम भी आपने पढ़ा है। ए 70S प्रकार का, बी 80S प्रकार का, सी 90S प्रकार का, डी 50S प्रकार का, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। 13वां प्रश्न आप लोगों के लिए और 13वां प्रश्न है 70S राइबोसोम की उप इकाई है। 70S राइबोसोम की उप इकाई है, यानी कि उप इकाइयों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4, है ना, आपको चुनना है इसमें से कौन सा सही है। 14वां प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, वो प्रश्न है कि 80S राइबोसोम की उप इकाई है, 80S राइबोसोम की उप इकाई है। पहला विकल्प दिया है 30 प्लस 50S, दूसरा विकल्प दिया है 40 और 50, यानी 50 प्लस 40, 50 और 40। तीसरा विकल्प की बात कर रहा हूं 40 प्लस 60S, और चौथा और अंतिम विकल्प है 50 और 10S। कौन सा आपको सही लग रहा है, इसके बारे में बात करेंगे बहुत जल्द। आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और वो आप लोगों के लिए है, प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी होती है, ए सेल्यूलोज, बी हेमिसेल्यूलोज, सी कैल्शियम और डी है ए और बी दोनों। प्राथमिक कोशिका भित्ति बनी होती है, ए सेल्यूलोज, बी हेमिसेल्यूलोज और डी है हमारे पास में कैल्शियम और सी है कैल्शियम और डी जो है वो ए और बी दोनों। हमने पहले भी वीडियो में आपको यही कहा है कि मुझे पता है कहीं ना कहीं बाहर की ध्वनि आप लोगों को कर्कश ध्वनि गूंज रही है, आप लोगों को डिस्टर्ब करती है, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं, फोन भी आ चुके हैं। बहुत शीघ्र हम एक नए स्टूडियो में होंगे, क्लासरूम से निकल के स्टूडियो की ओर सफर करेंगे और आप लोगों के लिए वो मनोरम दृश्य बहुत जल्दी आने वाला है। साथ साथ में जिन लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये बोला है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास बेफिक्र रही है, बहुत जल्द होगी आपकी ये भी क्लास। कुछ लोगों ने कहा है कि सर हमारे जो बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, बेशक कंप्लीट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस शर्त एक ही है पुराने वीडियो देखते रहिए आप, मैं वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। जो कुछ दिक्कत है बाहरी ध्वनियों और इनसे, ये भी जल्द आपके समाधान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह जो काम करता है, या एक नया प्रोजेक्टर की तरह जो काम करता है, उन ऐप से जुड़ करके आपको और भी बेहतरीन वीडियो देंगे हम, बहुत ही जल्दी आपके साथ में होंगे। तब तक अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर है आपको पता है तो मुझे सेंड कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों से और जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन हैं, संडे वाली क्लास को मिस मत कीजिए। संडे के दिन लगभग 1.5 घंटे की क्लास मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और एक चीज क्लियर कह देता हूँ, जो उस दिन मैं फ्री होता हूँ ना, एक चीज आपको क्लियर कह देता हूँ कि उस दिन हम 150 से 200 क्वेश्चन की क्लास होगी, पूरे के पूरे वीडियो के सारे प्रश्न आपको जानने होंगे, सारे लिखने होंगे। कोशिश तो ये भी है कि मैं आपसे लाइव मिलूं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत जल्द कुछ नई चीजों के साथ आने वाला हूँ। सब्सक्राइब करो अगर लगे दम, नहीं लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने दोस्तों को सेंड करो, शेयर करो। धन्यवाद।